किसी भी फ्लोर प्लान में जाएंगे और यहाँ से व्यू टैब में सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन व्यू हम अप्लाई करेंगे इस तरह से। सेक्शन व्यू अप्लाई होने के बाद में आपके प्रोजेक्ट ब्राउज़र में यहाँ पर सेक्शन ऑप्शन में जितने भी सेक्शंस आपने क्रिएट करे हैं वो सारे सेक्शंस यहाँ पर आ जाएंगे आपको। और शीट, इन्हीं सेक्शंस को शीट में ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, व्यू टैब में यहाँ पर शीट कंपोजिशन ऑप्शन में शीट है, शीट ओपन करेंगे, लोड में जाएंगे, टाइटल ब्लॉक में जाने के बाद में यहाँ पर आपको मल्टीपल शीट टाइप्स मिल जाएंगी। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप शीट टाइप को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपके पास में यहाँ पर शीट प्रोजेक्ट ब्राउज़र में शीट ऑप्शन में मल्टीपल शीट टाइप्स आ जाएंगे। जब आप एक शीट को ओपन करेंगे ये शीट ओपन हो जाएगी और यहाँ से जिस भी व्यू को आपको आपके शीट में ऐड करना है उस शीट उस व्यू को सिलेक्ट करेंगे और प्लेस कर देंगे यहाँ पर ड्रैग करके ये प्लेस कर देंगे। सपोज़ अगर आपका व्यू लाइक जो भी व्यू आप यहाँ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं वो व्यू आपकी शीट से बाहर जा रहा है तो शीट से बड़ा हो रहा है तो शीट इसको सेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस व्यू का स्केल, व्यू स्केल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से व्यू स्केल चेंज कर लेंगे आप और व्यू स्केल चेंज करने से क्या होगा कि आपकी शीट चेंज हो जाएगी, ड्राइंग चेंज हो जाएगी। सपोज़ मैंने 1:16 लिया एंड अप्लाई किया तो देखिए शीट का साइज़ हमारा और व्यू का साइज़ छोटा हो गया, लेकिन यहाँ पर ना स्केल फैक्टर आपने चेंज किया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर स्केल फैक्टर चेंज करने से भी नहीं होता है लाइक आप इतना ज़्यादा छोटा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि स्केल फैक्टर चेंज करने से आपके डायमेंशंस वगैरह भी चेंज हो जाएगी, तो आप स्केल फैक्टर को देखते हुए क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ व्यू को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पैलेट में यहाँ पर ऑप्शन आएगा एक्सटेंट्स का। इस एक्सटेंट पैरामीटर में आपको ये तीनों ऑप्शन को टिक करना है, क्रॉप व्यू, रीजन व्यू और एनोटेट क्रॉप को, एंड अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में यहाँ पर इसको आप डबल क्लिक करके डबल क्लिक करेंगे और एक बार सिंगल क्लिक करेंगे, मीन थ्री टाइम क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम डबल क्लिक एक साथ करना है एंड देन नेक्स्ट टाइम एक सिंगल क्लिक करना है। तो इस तरह से ये शीट आ जाएगी एडिटेबल मोड में और फिर उसके बाद में आप यहाँ से इसको ऐसे क्रॉप भी कर सकते हैं कि आपको जितना एरिया चाहिए आप सिर्फ पर्टिकुलर एरिया को ही अपने शीट में रखें, सिंपल। एंड देन इस व्यू पोर्ट में आप कहीं पर भी बाहर क्लिक कर दीजिए, डबल टाइम बाहर क्लिक कर देंगे आपका ये शीट वापस से आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर सेक्शन व्यू को ही ऐड करके दिखा रही हूँ, जैसे मैंने सेक्शन व्यू को सेलेक्ट किया, शीट व्यू में जाएंगे, सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेक्शन को क्रॉप कर रखा है इसलिए ये ऑटोमेटिकली इस तरह से प्लेस्ड हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर आप स्केलिंग के थ्रू चेंज करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से स्केल फैक्टर भी चेंज कर सकते हैं, स्केल वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं और उसके साथ साथ में आप यहाँ से एक्सटेंड से व्यू, रीजन तीनों ऑप्शन को टिक करके भी आप क्रॉप कर सकते हैं। ये शीट में इंपोर्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ पर दोनों सेक्शन को ऐड करना है तो मैंने दोनों सेक्शन ऐड कर लिया इस तरह से। अब इस पीडीएफ को, इस शीट को हमें पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट करना है, एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे, प्रिंट पर जाएंगे, देन नेक्स्ट प्रिंट एंड देन सिंपल ओके। और फिर आप यहाँ से लोकेशन डिफाइन कर देंगे कि आपको कहाँ पर चाहिए। सपोज़ मैंने डेस्कटॉप लिया और यहाँ पर फाइल का नेम मेंशन कर दिया, फाइल का नेम देना है हमें, हमने फाइल का नेम दिया सेक्शन व्यू एंड देन सेव।
यहाँ पर डेस्कटॉप में देखिए पीडीएफ हमारा एक्सपोर्ट हो गया ये इस तरह से। और अगर आपको ये जो टाइटल ब्लॉक है इसको चेंज करना है, इसकी साइजिंग करना है, इसको मॉडिफाई करना है, तो सिंपल है, आप शीट इम न्यू शीट ओपन कर लीजिए शीट, और यहाँ से मैंने सपोज टाइटल ब्लॉक से जा कर के एक शीट ले ली A4 साइज की, कोई अदर साइज लेती हूँ, शीट लोड टाइटल ब्लॉक, और मैंने एक शीट को पिक कर लिया एंड ओके किया, है ना, ये शीट ओपन हो गई है। अब इस शीट को मुझे रीसाइज करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट फैमिली में जाएंगे, और एडिट फैमिली में जाने के बाद में आप इसके लेंथ विड्थ रीसाइज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से आप अदर मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। स्केलिंग फैक्टर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ से शीट का नेम चेंज कर सकते हैं, क्लाइंट का नेम चेंज कर सकते हैं, अपनी लो कंपनी का लोगो चेंज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने के बाद में सेम आप पहले इसको सेव एज कर लीजिए, फाइल सेव एज फैमिली, और मैंने एक नेम दे दिया न्यू शीट एंड सेव एंड देन लोड इन टू प्रोजेक्ट, है ना। अब ये आपके प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा, सिंपल इस तरह से आपको क्रिएट करना है, ये देखिए।